बारहवीं निकालने के बाद हम क्या करें, क्या नीट की परीक्षा हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है, नीट करके हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें बारहवीं के बाद नीट करना चाहिए। तो आइए आज हम इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे नीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नीट एक ऐसी परीक्षा है जो कि हमें मेडिकल फील्ड तक पहुँचा सकती है। नीट जिसे हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा भी कहते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ऑफलाइन मोड में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हर वर्ष करती है। अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि नीट का एग्जाम हम कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, नीट का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले तो हमें 10th पास करने के बाद ही यह निर्णय कर लेना चाहिए कि हमें नीट देना है, और नीट देने के लिए 11वीं में बायोलॉजी विषय लेना अनिवार्य है। आप इसका कोचिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो आप 12वीं निकालते के ही नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप मेडिकल फील्ड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जो नीट का एग्ज़ाम होता है वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा MBBS, BDS, BVSC तथा HH सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अगर आप नीट में अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको MBBS तक पहुंचने में एक अच्छा विकल्प होगा। अभी आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि नीट के एग्ज़ाम में हमें कितने स्कोर करना चाहिए, यानी कि कितने अंक लाने चाहिए और इसमें कितने अंक होते हैं। तो आपको बता दूं कि नीट के एग्ज़ाम में टोटल 720 नंबर होते हैं। और आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से लगभग 45-45 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल 4 अंक के होते हैं और इस तरह हर सब्जेक्ट से कुल 180 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होता है, यानी कि 4 गलत हुआ तो एक जो सही रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि कितने नंबर लाने से हमें मेडिकल फील्ड में अच्छा मौका मिलेगा। सो गाइस, अगर आपका रैंक 170 तक अगर आते हैं तो आपको भारत के नंबर 1 कॉलेज एम्स कॉलेज जो कि दिल्ली में है वहां जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप 480 से 575 के बीच में भी रहें तो आपको अपने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मौका मिल सकता है। लेकिन नीट का एग्ज़ाम देना कोई मामूली बात नहीं है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम टॉपर्स की बात करें तो टॉपर्स का अगर निर्णय लिया जाए तो वो भी बोलते हैं कि उनका यह कहना है कि टॉपर्स भी अगर नीट का एग्ज़ाम देते हैं और टॉप रैंक पर आए हैं तो उनके पीछे कड़ी मेहनत होती है, यानी कि वो 18 से 19 घंटा डेली की पढ़ाई करते हैं तब जाके इस मौके पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको भी इस मौके तक पहुंचना है तो आप अपने सेल्फ स्टडी में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप उसमें भी थोड़ा कमज़ोर हैं और आपको यह सोच आता है कि हमें कोचिंग करना चाहिए तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। यह अच्छा विकल्प होगा क्योंकि आप ऑनलाइन के जरिए काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ भी सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन हम कहाँ से करें, तो दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि फिजिक्स जो कि इंडिया के नंबर 1 कोचिंग सेंटर है और यह नीट JEE इसका बहुत ही अच्छा कोचिंग कराते हैं और ये ऑनलाइन में काफ़ी सस्ता भी है। आप 4 से 5 हज़ार रुपये का बैच खरीद के पूरे साल भर का नीट का बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी लेते हैं तो आप अपने अगर सेल्फ स्टडी में और NCERT की बुक में थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको बिना कोचिंग के भी अपने रैंक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप यह बात जरूर सुने होंगे कि क्योंकि मेहनत के आगे कोई चीज़ बड़ी नहीं है। सो गाइज, ये था आज का नीट का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।